वहाँ कैमरा देखो देखो वो दिख रहा है सांप दिख रहा है सांप अबे ये सांप। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। और अभी जा रहे घूमने के लिए, हालांकि लॉकडाउन का समय, मैं और विक्की, चेहरा नहीं दिख रहा है खास, और पीछे पीयूष बाबू है करो। हम लोग तीनों मास्क लगा लिए, पूरा फुल लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, पर यार बोर लगता है घर में रहते रहते। तो अभी जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए, और एक अच्छा खासा जो हम लोग के गाँव के प्रसिद्ध मंदिर है, कुछ दूर है, यानी कि 5 से 6 किलोमीटर, वहाँ पर अभी जाएंगे और उस मंदिर का सीन आप लोग को दिखाएंगे। कैसा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो चलिए यहीं पे से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आप लोग को वो मंदिर घुमाएंगे। तो चलिए रोड से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तेल भरवा रहे थे, लेट्स कंटिन्यू। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं मुरली पहाड़। नापो में स्थित है ये मुरली पहाड़, कुछ नापो से हटके, और जो हम लोग का गांव है उससे लगभग 4 या 5 किलोमीटर दूर। तो अभी फुल तय करके आए हम लोग का बाइक, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, तो सिनेमेटिक शॉट जो आपको चलेगा उस पर दिखेगा। तो चलिए वो पूरा मंदिर का दर्शन कराते हैं, और चलिए आप सिनेमेटिक शॉट्स का भी इंजॉय कीजिए। ये पहले स्थित है झारखंड के हजारीबाग जिले में, बड़कागांव प्रखंड में, नापो कला नाम है इस गांव का। और नापो कला के रोड पे ही कुछ ऊपर पहाड़ है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है, जिसमें ये हुआ था कि यहाँ पर अचानक शिवलिंग देखा गया, और उस शिवलिंग को देखते यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। और जैसे कि आप लोग पीछे के बैकग्राउंड से देख सकते, जैसा कि ये मंदिर बना, तो ऐसा करके कुछ है। मुझे खास तौर पे मुझे पूरा पता नहीं है, बट अभी नीचे एक गुफा है, वो चलिए गुफा में दिखाते हैं कि गुफा कैसा है। तो सारा कुछ आप देखने को मिलेगा, सर ब्लॉग पे कंटिन्यू रहे, काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है। राजा भैया चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर नाग नागिन रहता है। सच्ची पंडित बाबा कह रहे हैं, विक्की बाबा इधर देखिए, कह रहे कि यहाँ पर नाग नागिन रहता है। क्या सही सही है? सही है, या मोटा मोटा क्या बोले, दो मुहिमा सांप, यानी कि दो सर वाली सांप। तो चलिए हो सके अगर होगा तो दिखाएंगे जरूर। तो चलिए चलिए अभी मैं उतर रहा हूँ रास्ते पे, और काफी पत्थर है। इधर ही कहाँ रहता है? वहाँ साइड रहता है? इधर नहीं, वहाँ पर है। आगे चलो। आने वाले जस्ट बस पहुँच ही गए।
पीयूष पूरा गाना गा रहा है टन टन आके। जय भोलेनाथ। चलिए गुफा दिखाते हैं। आप लोग देख भी सकते हैं, वहां पर एक गेट लगा हुआ है अंदर, यही है। इसके अंदर अभी जाएंगे और इनका कहना है कि वहां नाग नागिन रहते हैं। आज देख भी लेगा। तो चलो कंटिन्यू करो, वन बाय वन एंटर करो। भैया सबसे पहले आप कौन जाएगा? सबसे पहले पीयूष जा रही है। भैया सांप, बहु भैया सांप, भाग जाओ भाग जाओ। लग रहा हमको सांप है सच में। देखो तुम तो आ जा जा, सच में कुछ आ रहा है यार। ये हमको देखिए चमगादड़ भी नजर आ रहा है, लेकिन बहुत अंदर है लेकिन गुफा का। तो यहाँ पर सारा पूजा पाठ होता है, यानी कि इस पेड़ के नीचे। और ये रहा गुफा। गुफा के अंदर जाना मना है। यहाँ पर जो ऊपर आदमी थे, आप लोग देख लिए होंगे, वहाँ पर उन्होंने बोला यार गुफा के अंदर जाना अभी मना है, क्योंकि ये पानी गिरा हुआ है तो अंदर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जब मेला लगता है ना, तब ये गेट खुलता है और बाबा जी खुद से अंदर घुसाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि अंदर में भी शायद कुछ दिख जाए। मैं आप लोगों को सामने से दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा, बट अंदर बहुत कम स्पेस है। यहाँ पर आदमी आया कैसे? पर तब भी लोग के मन में उत्साह और भगवान के प्रति जो श्रद्धा रहता है, उससे लेते चल जाते अंदर। तो आप लोगों ने देख लिया, और सॉरी मैं आपको अंदर तक नहीं ले जा पाया, पर आप लोग देख सकते हो अभी भी अंदर है का। अंदर कोई रोशनी वगैरह नहीं है, यानी कि पूरा बंद है। बट जिस समय यहाँ पर मेला लगता है ना, उस समय यहाँ पर स्पेशल बल्ब वगैरह सेट कर दिया जाता है। तो ऐसे करके यहाँ का सीन है, सारा कुछ आप लोग देख सकोगे। यहाँ पर आप लोग ये भी देखो, ये देखो त्रिशूल। तो आप लोग बता सकते हो यार हिंदुत्व कितना आगे बढ़ा हुआ है। तो पीयूष तुम कुछ कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे यार कि हमको गुफा के अंदर जाना था यार, लेकिन मना करने की वजह से ना जा पाएगा। कोई बात नहीं, आएंगे किसी और दिन। और बाबा तो देख रहे हैं, बाबा को पढ़ लीजिए, बुलाती है मगर जाने का नहीं। सो आई होप इस व्लॉग को आप लोगों ने पूरा फुल एंजॉय किया होगा। और मुरली पहाड़ का जो पूरा मैंने विवरण आप लोगों को बताया कि कैसे वहां पर मंदिर बना, कैसे क्या हुआ, सारा कुछ मैंने आप लोगों को इस व्लॉग में बताया। सो आई होप ये व्लॉग आप लोगों को पूरा मस्ती भरा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा। तो यार मज़ा आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप घूमने आ सकते हो। ये झारखंड के, मैं फिर से एड्रेस बताना चाहूँगा, झारखंड के हजारीबाग जिला और प्रखंड बड़का गाँव के स्थित नापो कला गाँव में ये मंदिर स्थित है, मुरली पहाड़। आप लोग किसी से यहाँ पे आके पूछना, नहीं तो नीचे कमेंट करना, मैं आप लोग को पूरा लोकेशन ही सेंड कर दूँगा। तो आई होप ये ब्लॉग भी आप लोग को पसंद आया होगा। यार वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर देना। तो यार फिर मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए टाटा। कैमरा सामने यहाँ से आप देख सकते हैं, आप अंदर वहाँ जो है वहाँ पर शिव भगवान का हमको लगता है त्रिशूल टाइप का नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर सिर्फ सुनने में आया कि यहाँ पर ऐसे नाग देवता रहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी बोले हैं कि अंदर जाना मना है, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा क्या है कि चमगादड़ भी नज़र आएगा। ठीक, तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही देखने की कोशिश करेंगे। आप कैमरा लेके सामने आओ, राजेश भी इधर वहाँ कैमरा देखो, देखो वो दिख रहा है सांप, दिख रहा है सांप। सो दोस्तों भागते भागते हम लोग आए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरा पसीनों से भीग गए हम लोग। और अभी सच बता, बहुत सच बता वहाँ पर लेकिन अभी हम भी देख लोग सच वहाँ पर सांप था। मजाक नहीं कर रहे हम, आप लोग देख, हम लोग कोई बात मजाक नहीं करते। ठीक है, वहाँ सांप नजर आ रहा था, लेकिन हम लोग फिर वापस भाग गए, यहाँ तक आ गए हैं। तो अभी लोग यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब जाएंगे शिव मंदिर, जाएंगे पहले शिव मंदिर देखेंगे, उसके बाद घर। अब नहीं, बहुत बर्दाश्त हो गया, आप घर। मुरै दीदी का छोड़ा बन के, जान ले बूढ़ा बन के, ऐसे पिंदा पिंदा बेटो।